हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूपी बोर्ड ने भी 10th और 12th क्लास के रिजल्ट का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया निकाल लिया है। यह क्राइटेरिया सीएम योगी जी के सामने मंडे को रखा जाएगा और उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कि यह क्राइटेरिया क्या होने वाला है। 10th क्लास के लिए इन लोगों ने 50-50% का क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो पहला 50% होगा आपका 9th क्लास के फाइनल एग्जाम के मार्क्स और दूसरा 50% आपका होगा 10th क्लास के प्री बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स। तो इसके बेस पे आपका 10th क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि 12th क्लास का रिजल्ट किस फॉर्मूला के बेस पर डिसाइड होने वाला है। 12th क्लास का रिजल्ट 50-40 और 10 के फॉर्मूला पर डिसाइड होगा। यहाँ पर 50% होगा आपका 10th क्लास के फाइनल एग्जाम का मार्क्स, 40% होगा आपके 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स का मार्क्स और 10% होगा आपका 12th क्लास का प्री बोर्ड या फिर इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स। इसके बेस पे 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आप सभी लोग 10th क्लास और 12th क्लास पास कर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन ये होगा कि 10th क्लास के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज किया जाए। तो उसी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो आज रात तक या कल सुबह तक आप लोगों को मेरे चैनल में मिलेगा। और अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि 12th क्लास के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चूज किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 वीडियोस का लिंक दिया है। बेस्ड ऑन द स्ट्रीम आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है और आप अपने लिए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन सबको शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।